एक गांव में जगन नाम का आदमी रहता था। वो फोन में क्रिकेट बैटिंग खेलता था। एक बार एक बीमारी की वजह से पूरी दुनिया भर में सभी देशों में क्रिकेट बैटिंग खेलना बंद हो गया। उससे जगन को क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। छी, ये फालतू बीमारी की वजह से मेरी कमाई बंद हो गई। अब कौन से गेम में बैटिंग लगाना है और पैसे कैसे कमाना है समझ नहीं आ रहा है। कम से कम ये गांव वाले ताश के पत्ते भी नहीं खेलते। उतने में एक घर के बाहर दो बच्चे लूडो खेलते हुए दिखाई दिया। ये तो अच्छा है, बच्चों के पास से पैसे लूटे तो छोटे मोटे खर्चे निकल आएंगे, सोचा। दूसरे दिन जगन उस गांव के बच्चों को एक साथ बुलाकर एक टेबल पे लूडो गेम रखा। टेबल के बाजू में कुछ खिलौने भी रखकर बच्चों से, देखो बच्चों, तुम लोगों को लूडो गेम बहुत पसंद है, वो मुझे मालूम है। तुम अकेले अकेले कितना डाइस खेलोगे, इसलिए रोज आकर मुझसे खेलो। पर कोई भी गेम में विनर को प्राइज नहीं मिला तो मजा नहीं आएगा ना, इसलिए तुम लोग जीतोगे तो मैं तुम्हें खिलौने दूंगा, पर मैं जीता तो तुम लोग मुझे एक गेम का 10 रुपया देना होगा, ठीक है ना। तो बच्चे सभी खिलौने को देखकर ठीक है कहकर बोले। जगन एक बच्चे के साथ लूडो खेलना शुरू किया। बच्चे ने डाइस डाला, उसे एक नंबर आया। वो अपना दाव घुमा के जगन डाइस डाल के टेबल के नीचे हाथ डालकर चुंबक घुमाया, डाइस 6 गिरने के जैसा आया। वैसे चुंबक से सेट किया डाइस डालकर चुंबक की मदद से वो उस बच्चे के ऊपर खेल जीत गया। बच्चे ने रोता मुंह करके 10 रुपया दे दिया। ऐसे रोज जगन उन बच्चों से लूडो खेलकर उनके किटी बैंक में ज्योमेट्री बॉक्स में छुपाए हुए पैसों को लूटता था। ये सब पीकू नाम का लड़का गौर कर रहा था, वो मगर नहीं खेलता था। एक दिन पीकू कोई जब नहीं था तब उस टेबल के पास आकर देखा। पता नहीं हर रोज जगन ही कैसे जीत रहा है, सोचकर टेबल के नीचे देखा तो वहाँ पर चुंबक चिपकाया हुआ था। तो ये बात है, सोचा। उतने में एक लड़की वहाँ पर रोते हुए आई। तब पीकू उसके पास जाकर, क्या हुआ पूजा, क्यों रो रही हो? माँ ने मुझे मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए पैसे दिए थे, जगन ने मुझे लूडो खिलवा कर पूरा पैसे छीन लिया, अभी माँ के हाथ मुझे मार खाना पक्का है। उसे पैसा देकर, इससे तुम्हारी माँ ने जो बोला वो खरीद कर लेके जाओ, आगे से जगन कितना जबरदस्ती करे खेल मत, वो एक नंबर का बदमाश है। बाद में वो पैदल जाते समय रास्ते में उसे एक लूडो गेम बोर्ड दिखाई दिया तो पीकू मन में, इसे कौन यहाँ फेंक दिया, वैसे मुझे क्या करना है, सोचकर वो आगे जा रहा था। तब लूडो बोर्ड से एक आवाज निकली, रुको बच्चे रुको, मैं एक मायावी लूडो हूँ, डर के मारे मुझे कोई लेके नहीं जा रहे, बिना खेल के मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तू मुझे लेकर जा, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी। तो पीकू को एक आइडिया आया। दूसरे दिन पीकू उस माया बोर्ड को जगन के पास लेकर आया। अंकल, मुझे भी आपके साथ लूडो खेलने का बहुत मन कर रहा था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए खेल नहीं सका। आज घर में मुझे 100 रुपए दिए, ये पैसों से मैं खेलूंगा, पर मेरे लूडो बोर्ड पे ही खेलना होगा। तो जगन खुश होकर, ठीक है तुम्हारे ही बोर्ड से खेलेंगे, मगर डाइस मेरा होना चाहिए। वैसे वो खेलना शुरू किया। जगन ने डाइस डाला और टेबल के नीचे से चुंबक घुमाया और उस डाइस में 6 गिरा। बस बात खत्म, उस लूडो गेम से दो हाथ बाहर निकले, धड़ाधड़ उसे 6 मुक्के उसके मुंह पे पड़े। बाप रे, ये क्या है रे, मेरे मुंह का पूरा चटनी बना दिया, मैं अभी और नहीं खेलूंगा। बीच में आधा गेम छोड़कर जाओगे तो इस बोर्ड को बहुत गुस्सा आएगा अंकल, जान भी जा सकती है। तो डर के मारे जगन ने और डाइस डाला, वैसे जितना नंबर गिरता था उतने मुक्के उसके मुंह पे पड़ते थे।
बच्चे सभी खुश होकर तालियां बजाने लगे। आखिर में पीकू ने गेम जीता और टेबल के नीचे से चुंबक निकाला। बच्चे सभी चौंक गए। जगन वहां से भाग गया। तब पीकू सभी बच्चों से, अब से हम इसी बोर्ड में खेलेंगे, जीतने वालों को जितना चाहे चॉकलेट और आइसक्रीम देगी ये, हारने पर इसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वैसे सभी बच्चे खुश हुए। बच्चे जीतते ही उस जादुई लूडो बोर्ड से आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह आने लगे। वैसे वो लॉकडाउन में खुशी खुशी खेलने लगे।